أشهد أن علي ولي الله أركان الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

और जिसकी कोई हैसियत नहीं है समाज में लेकिन यहाँ पर खजर के फरमा रहे हैं जनाब अमीर के बारे में अज़यफ़ उज़लील, इंद का कवियज़ीज़ वो जो मुआरे की निगाहों में कमज़ोर था वो अलीब नबी तलेब के पास जब आ जाता था शिकायत लेकर तो ताकतवर हो जाता था जो माशरे की निगाहों में जलील था जब मौला अली के पास आता था तो वह अजीज़ हो जाता था हद तक तख उदहू बेह ही यहाँ तक कि कब तक आप उसके साथ रहता था वो आपके साथ और कब तक आप उसकी मदद करते थे? जब तक कि तो उसका लूटा हुआ हक उसको आप दिला ना दें यह अमीन ममन की आदत थी लिहाजा यहाँ पर अज़यीफुलंद का कवियजीज़ हतुब हक है कि वो जो जईफ़ होता था जलील होता था इसकी आबरू नहीं होती थी वह आपके पास आकर कवि और अजीज़ और ताकतवर और इज्जत वाला हो जाता था यहाँ तक कि आप उसका हक़ ले लें बल कवीज़ीज़ और जो ताकतवर होता था इज्जत वाला होता था जब आपके पास आता था तो कमज़ोर हो जाता था ज़लील हो जाता था हद ताखुस मिनुल जो इसने हक़ लूटा हुआ उससे जब तक आप हक नहीं ले लेते थे आप हक़ ले लेते थे उससे लिहाजा जब हक़ ले लिया तो तुमने गलत काम किया तो ज़यीफ़ुलज़लील हतुस तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है तुमने गलत काम किया तुम्हारा हक़ लेकर उसको देंगे बलकरीबल इन दफिजालिकवा जो आपके कराबदार होते थे या दूर होते थे वो सब के सब इसमें बराबर थे ऐसा नहीं कि अगर कोई करीब है बहुत कराबतदार है या क़रीब है या किसी भी लिहाज से तल्लुक अच्छे हैं या बीद है ताल्लुक़ नहीं है दूर से सलाम अलग है मौलानी से उसकी इन दफालिकिवा ये जो हक़ को लेने में हक़दार को हक़ देने में चाहे दूर दूर से सलाम अलैग थी या बहुत नज़दीक पड़ोसी था कोई आते जाते रोज़ देखता था ये दोनों बराबर होते थे हक़ लेने में और हक़ निकाल कर उसको देने में शाह नक वसत वरफ़ ये जो जुमला है ये ज़्यादात जाम करबीरा में भी आया है अम्मा के लिए शाहकुम वसत व रफ़ वक़ल हकम विल्म यह ज्यादात जाम कबीरा में भी आय्मा मासूमिन के लिए जुमले आए जो यहाँ पर खजिर ने बयान फरमाए लहजा इमाम अली नक़ी ने भी यही बात फ़रमाई है दो जुमले वहाँ ज्यादत जाम कबीरा में और यहाँ पर भी इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि इमाम अल नकी सलाम से पहले उनकी विलादत से पहले शहादत से पहले ज्यार जाम कबीरा से पहले ये जुमले खिजी की जबान पर जारी हो चुके हैं तो ये कैसे हो गया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अमीन नुमी का एक स्टेटस है चाहे इमाम हादी आलम का है ए जद बुजुर्गार बहादुर तरीन है या रसूल ख़ुदा के आप बहादुर तरीन है या ख़जर के बहादुर तरीन है तो इसमें कोई ये बात नहीं कि इमाम अलिनकी के जुमले पहले से कैसे मौजूद थे क्योंकि एक मोलारी का एक मरतबा है वो खजर को भी पता है वो अम्बिया को पता है रसूल्ला को पता है आयमा को पता है लिहाजा आप ये दो जुमले वहाँ पर भी जाकर देखेंगे शानुकल हक व सतक़ व रिफ् यह जो शान का मतलब है शान को आप यूं कहिए कि हाल या हालत या कैफियत हक का मतलब क्या है सच्चाई सिद्ध का भी मतलब सच्चाई है लेकिन जब हक कहा जाता है तो सच्चाई के लिए भी इस्तेमाल होता है हक़ कहा जाता है कभी कभी बातिल के लिए भी इस्तेमाल होता है यहाँ पर पहले लफ्ज क्या है शानुकल हक को व सिक़ ए मौला अली एलिब नबी तालिब आपकी जो हालत है आपकी जो कैफियत थी पूरी जिंदगी भर वह हक थी और सिख जब यहाँ पर हक व सि साथ, साथ आ रहे हैं इसका मतलब है कि हक यहां पर सच्चाई के मानों में नहीं है बल्कि हक यहाँ पर बातिल के मानों में है यानी हक का यहां पर जो मतलब है वो कौन सा है जो बातिल के मुकाबले में ठीक है और सिद्ध का मतलब क्या है जो किस के मुकाबले में देखें मैंने क्या कहा मैंने कहा कि हक का मतलब क्या है सच्चाई सित का मतलब क्या है सच्चाई तो यहां पर हक और दोनों आया है तो एक ही दफ़ा तकरार हो गया दो दफा हो सकता है लेकिन यहां पर नहीं हुआ क्योंकि यहां पर अमीर मुम्न की कैफियत बताई जा रही है हालत बताई जा रही है एक कैफियत अमीर मोमिन की क्या थी हक थी किसके मुकाबले में आई है यानी बातिल आपकी जात में नहीं था हमेशा आपकी जो शान थी हालत थी वो थी हक की कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो गलत हो वह सित कभी भी ऐसा नहीं हो कि जनाब अमीर मोमिन की जात में झूठ आया हो हमेशा सच्चाई थी एक तो ये बात दूसरी वह रिफ रिफ का मतलब क्या है रिफ का जो मुकाबला है वह अनफ है रिफ का जो दूसरा मुकाबला है वह है गिलजत, शिद्दत क्या मतलब रिफ का क्या मतलब है अगर मैं आसान तर्जुमा करूं बड़े प्यार से बड़े आराम के साथ तो इमाम सदक ने फरमाया जब तुम किसी ऐसे इंसान को देखो जो ईमान में तुमसे निचले मरहले पर है तो उसको अपनी तक उठाकर लेकर आओ बफिन यहां पर खुद छठे इमाम का जुमला है बिररफ नहीं कि आलिफ लाम के साथ बेरफ़िन का है खुद इसके अंदर एक फलसफा है बहुत बड़ा पोशीदा बड़े आराम से उठाकर अपने तक ले कराओ रफ का मतलब क्या आराम और प्यार के साथ अमीन अम्न की जो शान है वो क्या है रिफ है बहुत प्यार से अपने तक बुलाया जाए बहुत प्यार से व कौल का हुक्मन व हतमन व अमर का हिलमुन व हजम या, या, या अली आपका जो कौल है ना जो आपकी बात है वह हुक्म है हुक्म उर्दू में सबको पता है हुक्म का माना लेकिन अमीर उमनी व कउल का हुक्मन जो बात की है वो हुक्म है चाहे मुसल पे हो चाहे ख़्वाब में गुफ्तु सुनी हो आपने जब अमीर मुनी सो रहे हो तब आपकी बात नहीं कर आप ख्वाब में देखें वो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है जब अमीर मुनी सो रहे हैं याद ही आप तो सो रहे हैं आपने कहा तो हमने समझा कि आप शायद सोते में आप गुफ्तु कर रहे हैं सोते में भी लोग बोलते हैं चाहे अली जाग रहे हो चाहे सो रहे हो चाहे घोड़े पे हैं चाहे घोड़े से नीचे हैं अमन है जंग है किसी भी हालत में अमीन मम्मी का कौल हुक्म है इसको ठुकराया नहीं जा सकता वह हतम हतमी है यानी टल नहीं सकता जनाब अभी ने पानी पीते हुए कहा देखो तुम ये काम तो कर रहे हो लेकिन तुम्हारा सर फटेगा पत्थर से वो तो तवज्जो नहीं थी मौलाना एक बात कह दी आप भी सीरियस होगा नहीं चाहे अलीब ने भी ने कैजुअल वे में कहा चाहे तवज्जो रखे कहा हतम हतमी है इिवर्सेबल है ये पलटाया नहीं जा सकता इसको अमरों का हिलम व हजम और आपका जो अमर है ना अमर के दो माना है एक अमर का माना है ऑर्डर हुक्म मैं अमर कर रहा हूं आपको कि आप पानी पीजिए एक है आपका अमर क्या है अमर हुसैन अम्र शिमन जोशन अमर यजीद हम मकातिल में पढ़ते हैं यजीद का सिलसिला था क्या उसने कैसे कत्ल करवाया माँ का ना अमर हुसैन इमाम हुसैन स्लम के साथ क्या सिलसिला था जो हुआ करबला में तो यह अमर का लफ्ज किसके साथ आ सकता है इमाम मासूम के साथ भी आ सकता है अमर का लफ फाज फाजिर दुश्मन एहबै के साथ भी आ सकता है मतलब क्या सिलसिला था हिस्ट्री क्या थी यहाँ पर जो है अमरों का ये काम जो अमीर मुम्न के थे जो काम आपने अंजाम दिए या अम्रमरात हुक्म नहीं है जो मैं समझता हूँ बल्कि अम्रात मौला कायन के जो काम थे वह काम क्या थे उनकी बुनियाद क्या थी हिल्मत आप मुझे बताइए खलीफतुलमसमिन है जैसी बैत जनाब अमीर की हुई है चौदह सौ बारस में किसी भी इस्लामी खलीफा की बैत वैसे नहीं हुई जो मौला कहना ने लिखा है कि मेरी अबा खींच रहे थे तुम लोग हसन हुसैन कुछ ले जा रहे थे और तुम मेरी बैत करने आए थे लोग एक दूसरे पर जो उर्दू में कहते हैं ना धक्कम लो ना एक दूसरे को धकेलते हुए आ रहे थे एक भगदड़ मची हुई थी मस्जिद में इस तरह से मौला को खलीफा मुंतखब किया गया है चुनाव हुआ है जनाब अमीर का ये याद रखिएगा चुनाव है ये अच्छा सही है मैंडेट मिला है बगल आज के लोगों के अस्सलाम अब ऐसा खलीफा कह रहा है अल जिहाद, अल जिहाद निकलो तुम लोग जंग के लिए मुझे खबर दी गई है कि वहाँ सरहदी इलाकों पे झड़पें हो रही हैं वहां पे उनके बच्चों को मार दिया गया उनको कत्ल कर दिया गया उनके खजूर के दरअसल जला दिया गया जंग करो कोई नहीं सुन रहा क्या करना चाहिए साठ हिजरी में हुआ कि जो अमीर ममन को लोगों के बकौल करना चाहिए था साठ हिजरी में हुआ नहीं जा रहे हुसैन अपने अली से लड़ने के लिए उड़ा दो गर्दन नहीं कर रहे कत्ल कर दो जाओ ट, कैद में डाल दो और अपने जयाद में सबको ठीक करके रख दिया और बहुत सारे लोग आ गए तो बातों से कब मानते हैं लोग ने जयाद जैसा वही कोफा वही कोफा जाओगे कैसे नहीं जंग के लिए वो सजाए दी के सब के दिमाग ठीक कर दिए सब गए जंग पे इमाम हुसैन की सब गए मतलब जिनको भेजा गया इसी गुफे में जनाब अमीर पुकार पुकार चलो कोई नहीं जा रहा लेकिन जो जनाब अमीर मोमिन इसके बावजूद भी हिल तहमुल जब का मुजाह मुजाहरा किया जनाब अमीर मोमिन ने अमरों का हिल यानी जो पूरी की पूरी जिंदगी थी पांच साल की उसमें भी हिल था उससे पहले जो 25 साल की ज़िंदगी थी उसमें भी हिल था सबर बर्दाश्त तहमुल अमर यानी अगर आपसे पूछे माँ काना अमर अलीबनबी तालीब अलीबनबी तालीम की जिंदगी का सिलसिला क्या था ये वो अमर है क्या था सिलसिला काम क्या था किस बुनियाद पर काम करते थे हिल दूसरी क्या क्या चीज़ है हजम हजम का मतलब यह है कि अखज़ल अम्र बे शिद्दतिन वता किसी काम को बड़ी सख्ती के साथ बड़े मजबूती के साथ पकड़ लेना और उसको जब्त करके रखना कहीं दाएं बाएं उसको निकलने मत ना देना इसको कहते हैं हज़म ये तकरीबन एहतियात की बहन है समझ लीजिए आप अल्फाज में देखें ग्रामर में अगर जाकर लगत में तो एहतियात की उर्दू में जो एहतियात का माना है हज़म उसकी एक तरह से उसी ख़ानदान से उसकी बहन है उसका भाई तो जमा वज़ाहू जन बनला जम बिन युद्ध हू जब अरब अपने सामान को एक किनारे रख देता है चेक करता है आखिरी कोई इधर उधर सामान रह ना जाए और उसके बाद ताकि उसको रख के बांध कर सफ़र का आगाज़ कर सके उस वक्त कहते हैं हजमा मता आहू हज़म जब ये तो हो गया सामान के सिलसिले में इसी से मुंतकिल हुआ लाभ ज़िंदगी में मैं बहुत हज़म के साथ काम करता हूँ यानी क्या मतलब यानी अपनी चीज़ों को समझ करके मुझे कब सफ़र करना है कब बिजली का बिल देना है कल परसों फ्लाइट है तो बैंक खुलेगा तो मुझे सुबह नौ बजे जाकर ये काम कर लेना है चेक लिस्ट बनाता हूँ अपनी अरब में तो अरबी तो इसको सामान के लिए इस्तेमाल करते थे लेकिन इसको ज़िंदगी के मसाइल के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है लिहाजा अमीर मबन का जो सिलसिला था ज़िंदगी का एक तो हिल्म था सब्र बर्दाश्त थी दूसरा था हाजम। हाजम का मतलब क्या है यानी अलीब अबी तालिब को यह मत समझो कि जोश में आकर कोई काम कर दिया अलीब नबी तालब को यह मत समझना कि कोई काम अलीब नबी तालब कैलकुलेशन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं तुमको या अभी आपने इस फैक्टर को इस चीज़ को मद्द नहीं रखा जिसकी वजह से ये हो गया एक एक चीज़ को आमिर अमीरमिन ने मद्द नज़र रखा था एक एक चीज़ को एहतियात के साथ जमा किया था जंग लड़ने जा रहे हैं तो ये ये चीज़ें चाहिए इन इन चीज़ों को लेके चलना है इस तरह से चलना है हर जगह पर हज़म के साथ हर मकाम पर हज़म था कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो अमीर ममिन ने एड करने से रह गई हो लिहाजा अमरों का हिल व हज़म अच्छा अब वायों का इल्मन व आज़म फ़ीमा फालता आपकी जो राय थी जो आप कहते थे राय असल में लफ्ज़ क्या है राय का राय उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है आप कहते ना उर्दू में आपकी क्या राय है फिर मैं आपसे आपकी क्या राय है आपकी क्या राय है तो हर आदमी अपना ख्याल बताता है कि यह करना चाहिए तो राय को उस जगह पर कहा जाता है जहाँ पर आप चीज़ों को लेते हैं सोचते हैं प्लस माइनस करते हैं कैलकुलेटर उठाते हैं ये ऐसे होगा तो ये सोच के बाद एक नतीजा तक पहुंचते हैं वहां पर है राय अमीन मम्मी के बारे में कहना गलत है कि मौला की राय क्या थी सोचा मौला ने कहा ये होगा अच्छा इसको कर ये कर नहीं, नहीं ये गलत हो जाएगा अगर यहाँ से जाएं नहीं ये सही रहेगा इसमें मुश्किल ये है अच्छा ये इसमें करेंगे सोचता है ना आदमी आप भी सोचते हैं हम भी सोचते हैं तो मौला की राय कोई चीज़ नहीं होती है इमाम की क्यों लिखा गया है राय यानी जहां पर लोग सोच समझ कर बात करते थे और लोग ये समझते थे लोगों के मुताबिक कि यहाँ पर लोग अपनी राय दे रहे हैं और लोगों ने कहा कि हमारी सोच के मुताबिक ये होना चाहिए और लोगों की राय वैलिडिटी रखती थी या रात को जाएंगे तो बड़ा मसला होगा ऐसा हुआ है जबन फल जबन फलमूरियात फल मुगिरात सुबह ये जो आयत नाजिल हुई है जो जंग हुई थी इसमें काफ़ी लोगों को भेजा रसूल खुदा ने और वो मसला नाकाम रहा फ़ताह नहीं हो सकी अमीर मुमिन को जब भेजा तो अमीर मुमिन ने बड़े अजीब तरीक़े से बकौल लोगों के इंतहाई नामनासिब बगौल लोगों के ये बेतुका फैसला है बिल्कुल तो किस तरह से चल रहे हैं दिन को छुप के बैठ जाते था लश्कर रात को चलता था याली रात को चल रहे कुछ नज़र नहीं आएगा क्या होगा तो दिन को मौलाना का देखो जब ज़्यादा एतराज़ बढ़ा क्या देखो जासूस भेजे हुए दुश्मन ने हम दिन को मूवमेंट करेंगे तो जासूस समझ जाएंगे कि लश्कर आ रहा है नखलस्तानों में लोग छुपे बैठे हैं लिहाजा दिन को हम आराम करेंगे और रात को हम चलेंगे ताकि हमें कोई देख ना सके और किस रास्ते से जाएंगे सीधे रास्ते से नहीं जाएंगे जो भी हमको देखे तो ये समझेंगे मैदान जंग की तरफ नहीं जा रहे हैं उल्टा जा रहे हैं या अली बेतु काम कर रहे हैं आप ये क्या कर दिया इस तरह चलिए ये सब मरवाएगा ये सब जुमले तारीख़ में मौजूद हैं छोयाँ होने लगी या अली आप यहाँ से जा रहे हैं रास्ते में इतने रात को और ये पहाड़ यहाँ भेड़िए और रीच और पता नहीं क्या क्या जानवर होगा तो मौला कहना ने सबकी राय को गलत साबित करके अपनी राय के मुताबिक चले या अली कुछ सोचिए तो सही कुछ सोच के क्या किया तो इल्म व आजम और आपकी राय जो है जो आप फैसला सुनाते थे जब लोग अपना फ़ैसला सुना रहे होते थे एनालिसिस के बाद एनालाइजिंग के बाद तहलील तजिया करने के बाद तो वो अमीन अम्न की जो राय होती थी वो इल्म की बुनियाद पर होती थी और आज़म होता था आज़म किसे कहते हैं उर्दू में आप आजम कहते हैं इरादे को भाई हम हमने आज़म है हमारा कि हम इस साल जियारत पर जाएं आज़म है कि हम हज पर जाए आप इरादे को और आज़म को एक कहते हैं अरबी के अंदर फिक्र के अंदर हमारी अज्म का मतलब है कि वो फैसला कि जिसको टाला नहीं जा सकता तो अमीर मम्न की जो राय होती थी वो आज़म होती थी यानी इसको आप पलटा कर कोई और काम नहीं कर सकते इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है ये जो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम तुम सोच रहे हो इस तरह से और मैं अपनी सोच तुमको बता रहा हूँ तो ये आजम है इसके अलावा कुछ भी करोगे तो पछताओगे यानी छूट नहीं है तुम्हारी इसके अंदर राय को इम व आजम फ़ीमा फालता जो काम भी आपने किया इनकी बुनियाद पर था आज़म था अजम का मतलब क्या इरादा नहीं है यानी इसके अलावा कोई और काम किया ही नहीं जा सकता था वक्त न हज सबील न हज अबील यानी या तो हम ये कहें कि मौलाए कायन ने रस्ते को बनाया बाद में आने वालों के लिए या ये कहा जाए कि जिंदगी भर जो आपने काम किया वो आप उसी रस्ते पर चले जो आपके लिए खुदा ने रसूल खुदा ने मुन किया था वह सह हलल आपने मुश्किल को लोगों के लिए आसान किया सह आसीर क्या मतलब इसका बड़ा मुश्किल है कि एक शख्स के पेशानी पर गट्टा हो सिक्दे का तहज्जु से पहले उठ के वो रात को क़ुरान पढ़े नमाज शब पढ़े और आप उससे कहें कि ये दीन से निकल चुका है जंग करें जो जंगें हुई हैं बज दफ़ा मोला की वो इस तरह से हुई हैं तो अमीर ममिन ने बाद में आने वालों के लिए रस्ते को मुयन करके चले गए कि तुम जो फैसला नहीं कर पाओगे तारीख में जितने भी तकदस की चीज़ें थी कुरान मौलाना को कोई फ़ायदा नहीं नमाज कोई फ़ायदा नहीं नमाज शब कुछ नहीं ये वो कुछ नहीं जितने तकदस की अलामतें थी सबको मौलाना ने जीरो कर दिया तो ख़ुद तो मौलाना नमाज भी पढ़ रहे हैं सदका भी दे रहे हैं कुरान भी पढ़ रहे हैं हाँ इबादत की शर्तें बताएं हम और आप इबादत की शर्तों को निकाल सकते थे इतनी मुश्किल मरहला है कि कैसे हम समझेंगे ये मुकदस इंसान है कैसे समझेंगे कौन मुकदस है तो इतना मुश्किल मसला था एक चीज़ मैं मिसाल दे रहा हूँ सहल आसीर मुश्किल तरीन चीज़ को आसान करके चले गए आप बलागा पढ़िए आपकी समझ में आ जाएगा ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए आप बलागा पढ़िए मौला की दुआएं पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा खुदा कैसा है खुदा के साथ आपका रबता कैसा होना चाहिए ये आसान बात थी मौला आसान करके चले गए वह उत्फिन नरान आग को आपने बुझाया अतफ़ा आतन न या उतफ अतन न ईरान आज ने लिखा है इस तरह से लेकिन अतफ़ा आतन नरान आँग को आपने बुझाया किस चीज़ की कौन सी आग को बुझाया जनाब अमीर ने सवाल है ये। एक तो जनाब सैदा ने बयान फरमाया कि कौन सी आग को बुझाया वो उस आग को बुझाया कि खुदा ने क़ुरान में फरमायाद नारन लर्ब कुरान में खुदा कह रहे कुफ़ार का काम यह था कि हमारे हबीब के सामने अपने अल्फाज में बता रहा हूँ जंग के शोरों को भड़काते थे हम उर्दू में भी कहते हैं जंग के शोले भड़क गए सही है तो हमेशा जंग के शोलों को बुझाया जनाब अमीर ने कैसे बुझाया वो वहाँ पर है मौजूद कहाँ पर ख़ुबे में कि जंग के शोलों को दबाया जनाब अमीर ममिन ने बुझाया जंग के शोरों को हवा नहीं दी बुझाया दबाया जंग को अतफ़ाता नीरान वह अतदला बेकद दीन दीन जो था अपने तोज़ुन को खो चुका है दीन यानी दीन की जो चीज़ जिस जगह पर जिस तरह से थी नेजों पर उठा लिया गया ये वो हम ये क़ुरान उठा लिया गया नेजों पर और वो अलीब नबी तलेब जो कुरान के तारीफ में खुद में खुद में है और कुरान की खसूसियत बयान की गई हमला करो जब यह हमला करते तो किसी को होश होता कि किसके घोड़े की टापों के नीचे किस चीज़ के सफ़े आ रहे हैं होता कि नहीं होता होश नहीं होता जंग में आप बचाएंगे कुरान जो निज़ों पर उठा हुआ है किसी को समझ में आता यह हम तो नहीं लड़ रहे ये तो बेदबी हो जाएगी खेरा वो वस्ती है मैं कुरान, मैं मैं तुम्हें बताऊंगा किस चीज़ को कहां पर रखो ये वो जगह नहीं है दीन की जो चीज जहां पर जिस तरह से थी जनाब अमीर ने उसको रखा वहां पर अगर नहीं रखकर आते तो हमारे आप अंधों की तरह घूम रहे होते हमारी समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है और फितनों के बारे में जो जनाब अमीर ने बात की फित यही छोटा सा जुमला देखो जब फितना उठे खामा खाई का झगड़ा हो रहा है लड़ाई हो रही है कुछ ऊटनी फितन, के बच्चे की तरह रहो ना कमर उसकी कुहान इतना मजबूत हो सकता है उस पर सवारी की जा सके ना उससे दूध निकाला जा सकता है ये आप जुमला बताइए जिंदगी के लिए कितना बड़ा मशाला रहा है ये लिहाजा अमीन ने जो बड़ा एक काम किया बड़ा अहम के बारे में और अपने बाज दुश्मनों के बारे में कहा कि मेरे बात तुम इनसे जंग मत करना याद आपका मेरे बात मत करना इनसे और आप अमीन नोमीन के लिए शायद हजरत मुंह की हजार दो हजार उम्रें चाहिए कि हम पीएचडी कर सकें अमीर ममगिन पे इंसानी सतह पे वो जो वो जो अर्श के ऊपर शख्सियत है वो तो आप खैर छोड़ दें फजूल है लेकिन जो इतनी मुख्तलिफ अमीर ममगिन की शख्सियत के अंदर से पहलू हैं इसके के बड़ा मुश्किल है समझना और जो समझ जाए इसी पहलू को जो किताबों में आया है वो अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छे तरीके से गुजारेगा बुरा भला उसको कहा जाएगा हो सकता है बड़ा उसको सब खत्म किया जाए लेकिन ये एक बड़ा मसला है चनाब अमीर के ऊपर ने ऐसे काम किया बुजदिल का टैग लगना बिल्कुल लाजमी था डर गए मैं कह रहा हूं खुद अमीर मोमिन अपने बारे में कहा है। कि तुम मुझे अगर मैं ये करता हूं तो कहते हो बुजदिल है लालच का स्टीकर लालच का टैग अमीर मोमिन पर लगाया है लोगों ने कहा अगर मैं ये करूंगा तुम कहोगे लालची है अच्छा पिछली जिंदगी को देख कर अमीर नोमिन करना ही मैं बिल्कुल तुम लालची कह रहे हो कहते रहो बुजदिलो कहते रहो मैं ये काम नहीं करूंगा हिम्मत चाहिए इसके लिए टिगर चाहिए सी आपका खराब हो गया आप करते रहिए कुछ भी न नहाजा सभी रास्ता बनाया भी पिछले वालों के लिए और उसी रास्ते पर चले जो रसूल ख़ुदा ने रखा था शख्सियत कुछ भी हो जाए लिहाजा लेकिन उसके बावजूद चल वह अतः दीन दीन को उसके सही मकाम पर रखा है